जबलपुर शहर में कोरोना के बाद डेंगू संक्रमित बीमारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दवा छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी फैली हुई है। कार्यालय में इर्द गिर्द गंदा पानी भरा है, जिससे डेंगू फैलने का खतरा और बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल दवा छिड़काव करने की बात कर रहे हैं। हाल ही में एक महिला आरक्षक की भी डेंगू से मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों ने इससे सबक नहीं लिया और जो फैली गंदगी है उसे साफ कराने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा। कार्यालय में नियमित रूप से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही जो यदि कहीं पानी का होता है तो वो पानी हटवाया जाता है वहाँ पर, और मिट्टी का तेल भी डाला जाता है और नियमित रूप से फॉगिंग की जा रही है। ये एक दुखद है कि हमने अपना एक साथी खो दिया, किंतु हम लोग इसके प्रति सजग हैं और नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है प्रत्येक थानों में और छिड़काव कराया जा रहा है। और वरिष्ठ लेवल से पुलिस अधीक्षक महोदय सर की निर्देश हैं कि प्रत्येक थाने में प्रत्येक ऑफिस में मॉनिटरिंग करें।